नमस्कार दोस्तों, आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और आप सभी को इस गणतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं स्वदेश निर्मित हिंदुस्तान के पहले विध्वंसक युद्धपोत INS विक्रांत के बारे में। तो चले शुरू करते हैं। विक्रांत एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ है आगे बढ़ना और साहसी। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का आदर्श वाक्य है जयेम समयुद्धि स्पृदा। ऋग्वेद से ले गए इस सूक्ति का अर्थ है अगर कोई मुझसे लड़ने आया तो मैं उसे परास्त करके रहूंगा। विक्रांत जिसे स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 के रूप में भी जाना जाता है और इसे भारतीय नौसेना के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जा रहा है। यह भारत में बनने वाला पहला विमान वाहक पोत है। हालांकि विक्रांत का डिजाइन 80 के दशक में तैयार हो गया था, लेकिन 1997 में पुराने विक्रांत के डिकमीशन होने और फिर कारगिल युद्ध के चलते भारत को दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत महसूस हुई। उसके बाद ही नए विक्रांत को CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने बनाने की मंजूरी प्रदान की थी। 1999 में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने प्रोजेक्ट 71 एयर डिफेंस शिप के तहत एक विमान वाहक पोत INS विक्रांत के विकास और निर्माण की अधिकृत की और उसके बाद जहाज के डिजाइन का काम 1999 में शुरू हुआ और तकरीबन 10 साल बाद फरवरी 2009 में विक्रांत का शिलान्यास हुआ। विक्रांत को इसी साल अगस्त 2022 तक सेवा में शामिल किया जाना है, जिसमें विमान के उड़ान परीक्षण 2023 में मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। अब आते इसके बनावट की तरफ। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 75% स्वदेशी उपकरण लगे हुए हैं। इस आधुनिक विमान वाहक पोत का वजन लगभग 40,000 मैट्रिक टन है और यह स्टोबार संरचना वाला विमानवाही पोत है। इसे दो शॉफ्ट पर मौजूदा 4 जनरल इलेक्ट्रॉनिक गैस टर्बाइन ऊर्जा देती है। यह पोत 262 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। INS विक्रांत करीब 30 जेट्स के स्क्वाड्रन को संभाल सकता है। INS विक्रांत की से MiG-29 के और बाकी हल्के फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर सकेंगे। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कमाओ और वेस्टलैंड सी किंग हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर स्ट्राइक फोर्स की रेंज 1500 किलोमीटर है। इस पर 64 बारक मिसाइलें लगी होंगी जो जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। कमाओ एयरमोन अर्ली वार्निंग भूमिका को पूर्ण करेगा और सी किंग पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता प्रदान करेगा। फ्रांसीसी विमान निर्मित कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारतीय नौसेना के तट आधारित प्रशिक्षण सुविधा के अपने रफेल M लड़ाकू जेट को उड़ाएगी। यहां तक कि रफेल M भी विराट से उड़ान भर सकेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का निर्माण भारत के लिए एक ऐतिहासिक और गर्व करने वाला पल है, क्योंकि भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिसके पास ऐसी बेहतरीन तकनीक है जो स्टेट ऑफ आर्ट विमान वाहक पोत के डिजाइन को लेकर निर्माण करने और हथियारों से लैस कर सकता है। अभी तक अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन जैसे देश ही विमान वाहक युद्धपोत बना सकते हैं। नौसेना के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का भी ये एक नायाब नमूना है, क्योंकि विक्रांत देश का अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है जिसका निर्माण भारत ने खुद किया है। भारत को कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, क्योंकि भारत की करीब 7,000 किलोमीटर लंबी समुद्र सीमाएं दो तरफ है। एक है पूर्व में बंगाल की खाड़ी से सटी और दूसरी पश्चिम में अरब सागर से सटी। ऐसे में भारत को 2 अलग अलग मोर्चों पे 2 विमान वाहक युद्धपोत की जरूरत थी। इसके अलावा हिंद महासागर में भारत का करीब 23 लाख वर्ग मील का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसकी सुरक्षा करने के लिए भारत को 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। ऐसे में भारतीय नौसेना के पास फिलहाल INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत ने रूस से 2013 में लिया था। भारतीय नौसेना को INS विक्रांत की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि LSC पर चीन से चल रहे विवाद का असर हिंद महासागर में देखने को मिल रहा है। चीन के युद्धपोत और पनडुब्बियों की गतिविधियां इंडियन ओशियन
रीजन में काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में दुश्मनों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विक्रांत की सख्त ज़रूरत है। चलो अब आपसे अलविदा लेता हूँ और आपको जाते वक्त फिर से यही कहना चाहूँगा, आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे, बची है जो एक बूंद लहू की, तब तक भारत माँ की आंचल को नीलाम ना होने देंगे। गणतंत्र दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।